पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के मैयार को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास होते रहते हैं। पंजाब के बच्चों को अच्छी तरह और अच्छे माहौल में शिक्षा मिल सके, इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छे पढ़े लिखे अध्यापकों के साथ साथ स्कूलों की इमारतों की हालत सुधारने और स्कूल में बच्चों को अच्छी सहूलतें मुहैया करवाने के लिए शिक्षा विभाग को और जिला प्रशासन को भी हिदायतें जारी करती रहती है और ग्रांट भी जारी करती रहती है। लेकिन गुरदासपुर के शहर बटाला के कंद साहिब वाली गली में मौजूद सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत की हालत इन सब बातों से विपरीत दिखाई दी। आप खुद ही देख लीजिए कि क्या हालात हैं इस सरकारी स्कूल की इमारत के, जो बिल्कुल बटाला शहर के बीचों बीच मौजूद है। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए गुरदासपुर से रशपाल सिंह की रिपोर्ट। स्कूल की हालत बहुत खराब है, इस दे हाल दे बाले भी टुटन वाले हो गए हैं, तो किसी भी टाइम इसकी संभावना डिगन की। तो सानू भी फैसिलिटियां दित्तियां जान, हाड़ी लाइब्रेरी फैसिलिटियां दित्तियां जान, हम पढ़न च दिक्कत होंगी है। जिदा कि तुम हम वेख लो सरकारी स्कूल कन्याकुमारी उत्थे किस तरह वधिया बनया होया, तो साडा स्कूल भी उस तरह का बनना चाहिए। बस मेरी तुहाडे अगे यही बेनती है कि साडा स्कूल भी अच्छे तो अच्छा बनया जाए। ये जो कमरे घोषित हुए हैं ये 3/13 को हो गए थे, हमारी यही पुकार है कि जल्दी से जल्दी इन कमरों को रिपेयर करवा दिया जाए ताजो बच्चे कोई अनसुखावी घटना ना वापरे। हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इन कमरों को रिपेयर करवा दिया जाए ताजो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ऐसा है, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है वो अपने यूडाइस में भरा होगा, यूडाइस में हर साल जो है वो स्कूल में रिपेयर कोई नए कमरे जहाँ और छतें वगैरह जो मतलब रिपेयर करवानी है उसके लिए ग्रांट जारी की जाती है। पहले भी इसको स्कूल को जो है वो रूम्स के लिए ग्रांट जो है वो जारी की गई है, वो शायद कुछ कारणों के लिए पता नहीं प्रिंसिपल।